हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वैदिक क्लासेस। आज हम लोग यहां पर डिस्कस करने आए हैं एसएससी बोर्ड के द्वारा जो क्लास 10th में सिलेबस कट डाउन हुआ है केमिस्ट्री में, उस पर बात करेंगे। ठीक है बच्चों, मैं आपको इस पर जो भी सिलेबस जैसे जैसे रिडक्ट हुआ है उस पर हम बात करेंगे और टॉपिक वाइज बात करेंगे कौन सा टॉपिक आ रहा है कौन सा टॉपिक नहीं आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो 10th के बुक केमिस्ट्री में आपको 9 चैप्टर्स पढ़ने होते हैं। पहला चैप्टर हमारा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज होता है एंड वेरिएशंस, केमिकल बॉन्डिंग सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर एसिड बेस एंड साल्ट, फोर्थ चैप्टर एनालिटिकल केमिस्ट्री, फिफ्थ चैप्टर हमारा मोल कॉन्सेप्ट एंड फिफ्थ सिक्स चैप्टर हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस है, सेवन्थ चैप्टर हमारा मेटलर्जी है, एट चैप्टर हमारा स्टडी ऑफ कंपाउंड्स है। इसमें हमको चार कंपाउंड्स पढ़ना होता है, HCl, HNO3, NH3 और H2SO4। उसके बाद हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो जाता है बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले कि किसमें चेंज हुआ है किसमें चेंज नहीं हुआ है हम ये देख लेते हैं। ठीक है, तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड वेरिएशन में किसी भी प्रकार का चेंजिंग नहीं हुआ है, यानी जो पहले आ रहा था वही आ रहा है, इसमें किसी भी प्रकार का चेंजिंग नहीं है, वैसे ही पढ़ना है। फिर दूसरा चैप्टर हमारा केमिकल बॉन्डिंग का आता है, केमिकल बॉन्डिंग में भी किसी भी प्रकार का बच्चों चेंजिंग नहीं है, तो यानी नो चेंज। ठीक है, तीसरा हमारा एसिड बेस एंड साल्ट है, इसमें थोड़ा सा बच्चों चेंज किया गया है, तो आगे हम आपको बताएंगे सेपरेट वाइज करके चैप्टर पे इस चैप्टर में क्या चेंज हुआ है। एक बार हम देख लेते हैं कि क्या चेंज हुआ है क्या चेंज नहीं हुआ है इस चैप्टर में। तो एसिड बेस साल्ट में कुछ चेंजिंग हुआ है, इसको हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि हाँ एसिड बेस साल्ट में मेरा क्या हुआ है, चेंज हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री में किसी भी प्रकार का चेंजिंग नहीं है, एनालिटिकल केमिस्ट्री में जो पहले आ रहा था वही आने वाला है, इसमें किसी भी प्रकार का चेंजिंग नहीं है। मोल कॉन्सेप्ट में बच्चों बहुत ही ज्यादा बड़े पैमाने पर चेंज किया गया, हैवी चेंज हुआ है। ठीक है, तो मोल कॉन्सेप्ट में बहुत ज्यादा चेंजिंग हुआ है, इसको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट देखना भी होगा हमें कि क्या चेंजिंग हो गया इतना ज्यादा, इसलिए हमने यहां पर लिखा हैवी चेंज। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइसिस में किसी भी प्रकार का चेंजिंग नहीं है, किसी भी प्रकार चेंजिंग नहीं है। मेटलर्जी में भी थोड़ा चेंज किया गया है, ठीक है, जो कि बोरिंग चीज होता था मेटलर्जी में वही चीज से हटा दिया गया है कि बच्चे को ज्यादा प्रॉब्लम ना आए। फिर स्टडी ऑफ कंपाउंड में किसी भी प्रकार का चेंजिंग नहीं किया गया है, क्योंकि आप लोग जानते हैं HCl, HNO3, NH3, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4, ये सारे चैप्टर्स छोटे छोटे हैं, इसलिए इसमें किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं है, कोई भी चेंज नहीं है। और हमारा लास्ट 9th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है उसमें भी थोड़ा चेंजिंग किया गया है। ठीक है बच्चों, तब हम देखते हैं हमारा एसिड बेस साल्ट। तो बच्चों हम देखने जा रहे हैं एसिड बेस साल्ट में क्या अब नहीं आने वाला है, ठीक है, जिसको आपको छोड़ देना है। वो हमारा है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ नॉर्मल साल्ट विथ रिलेवेंट इक्वेशन। कैसा मतलब, इसमें जैसे हम लोग पढ़ते थे डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, ठीक है, पढ़ते थे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, प्रिसिपिटी रिएक्शन यानी पीपीटी रिएक्शन जिसमें डबल डिस्प्लेसमेंट या डबल डिकम्पोजिशन होता है, उसके बाद हम पढ़ते न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी एसिड और बेस को जो मिलाते थे साल्ट और वाटर बनता था, तो उसमें इनसोल्यूबल बेस, ठीक है, उनको नहीं पढ़ना है। उसके बाद न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में ही अल्कली का यानी टाइट्रेशन भी नहीं पढ़ना है। उसके बाद हमें एक्शन ऑफ डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट एसिड का जब हम रिएक्शन कराते थे कार्बोनेट के साथ, बाई कार्बोनेट के साथ, वो भी अब हमें नहीं पढ़ना है। तो बच्चों मैक्सिमम आपको जो है प्रिपरेशन ऑफ साल्ट में, चूंकि ये सारी चीजें किसके लिए, साल्ट बनाने के लिए है, तो साल्ट बनाने के लिए आपका ये मेथड डायरेक्ट कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट, प्रिपिटी रिएक्शंस, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ अल्कली एंड टाइट्रेशन मेथड, और आपका डाइल्यूट एसिड का रिएक्शंस ऑन कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट नहीं पढ़ना है, इसके अलावा जो है सब पढ़ना है। तो बच्चों हम जो मूल कॉन्सेप्ट पे बताने जा रहे हैं इसमें बहुत ही ज्यादा हैवी चेंजिंग किया गया है। अगर मूल कॉन्सेप्ट का अगर चैप्टर अलग किया जाएगा, ठीक है, तो जितना आ रहा था मान लिया जाए 10 पेज आ रहा था, तब एक ही पेज आ रहा है, यानी 9 पेज आपका खत्म हो गया है, तो 90% सिलेबस कट डाउन हो गया है। तो जो कट डाउन हो गया है वो ये है, और जो आ रहा है वो ये है। तो हम पहले बात कर लेते हैं कि क्या आ रहा है। तो सिर्फ वेपर डेंसिटी एंड इट्स रिलेशन टू रिलेटिव मॉलिकुलर मास, सिर्फ और सिर्फ यही आ रहा है, वेपर डेंसिटी और रिलेटिव मॉलिकुलर मास, वेपर डेंसिटी से रिलेशन में जाना है, सिर्फ इतना ही आ रहा है और आपको परसेंटेज पढ़ना है। क्या नहीं आ रहा है तो देख लीजिए आप, गे लुकस लॉ जो आपको न्यूमेरिकल्स बहुत ही ज्यादा भरा पड़ा हुआ है 10th ICSE में, वो खत्म हो गया। स्टार्टिंग का ही चैप्टर, मतलब चैप्टर का जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका ही पहला स्टार्टिंग खत्म हो जाता है, जिसमें बहुत को प्रॉब्लम होता है कि STP पर NTP पर हमारा वॉल्यूम क्या होगा नहीं होगा, ठीक है, तो वो आपका गे लुकस लॉ खत्म, एवोगाड्रो लॉ खत्म, कैलकुलेशन बेस्ड ऑन मॉलिकुलर वॉल्यूम एंड गे लुकस लॉ वो भी खत्म,
रेफर टू एटोमिसिटी, यानी आप एटोमिसिटी के हिसाब से जो हम पढ़ते थे कि H2O2 N2, इन सब का जो रिलेशन हम लोग पढ़ते थे वो भी अब खत्म, कट डाउन हो गया. मोल एंड इट्स रिलेशन, इट मींस कहने का मतलब ये है कि हमारा ग्राम एटॉमिक मास हो, ग्राम मॉलिकुलर मास हो, उनका मास एक मोल में कितना होगा, दो मोल में कितना होगा, उसमें पार्टिकल्स कितने होंगे, वो सब भी खत्म हो गया है. कैलकुलेशन बेस्ड ऑन मोल एवोगाड्रो नंबर, जो हम एवोगाड्रो नंबर करते थे कि हमारा एक मोल में कितने पार्टिकल आते हैं, वो सभी चीज भी आपका कट डाउन हो गया है, नहीं आ रहा है. सिंपल कैलकुलेशन बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशन कि व्हाट हैपेंड व्हेन, ठीक है, मीथेन बर्न्स, देन फाइंड द नंबर ऑफ वॉल्यूम CO2, तो वो सारे जितने भी आपका कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन आते थे वो सभी भी कट डाउन हो गया है. पढ़ना हमें सिर्फ वेपर डेंसिटी है और वेपर डेंसिटी के रिलेशंस एटॉमिक टू द रिलेटिव एटॉमिक मास पर ही पढ़ना है हमें. ठीक है बच्चों, तो बच्चों इससे पहले हमने मूल कॉन्सेप्ट देखा, अब हम देखते हैं मेटलर्जी, जिसमें कि थोड़ा चेंज हुआ है. तो इसमें क्या हट गया, अब हमें नहीं पढ़ना है, वो हमारा है लास्ट स्टेज इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल. ठीक है, यही पॉइंट हमें नहीं पड़ता है अब इसमें. स्टेज मतलब स्टेप बाय स्टेप जो होते थे वो स्टेप को हटा दिया गया है. अगर सबसे पहले हम लोग तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल नहीं पढ़ना है, इसमें जितने भी चीज आते हैं नहीं पढ़ना है. अगर स्टेप बाय स्टेप समझें क्या नहीं पढ़ना है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में, अगर हम बात करें इसमें क्या नहीं पढ़ना है, पहला है हमारा ड्रेशिंग, यानी जो मेथड से हम लोग ओर को प्राप्त करते थे, हाइड्रोलाइटिक मेथड्स हो या मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड हो या फोर्थ फ्लोटेशन मेथड हो, ये तीनों मेथड हमारा खत्म हो गया है. ठीक है बच्चों, उसके बाद आता है दूसरा स्टेप हमारा कन्वर्सन. कंसेंट्रेटेड ओर्स जो हम लोग ऑक्साइड से प्राप्त करते थे, ठीक है, वो दो प्रोसेस था, एक था रोस्टिंग, दूसरा है कैल्सिनेशन. ये दोनों मेथड अब नहीं पढ़ना है. तीसरा हमारा है रिडक्शन, जो एक्टिविटी सीरीज वगैरह पढ़े होंगे आप लोग. ठीक है, तो हम लोग जो मेटेलिक ऑक्साइड का रिडक्शन कराते थे हाइड्रोजन से, कार्बन से, ठीक है, तो वो अब आपको नहीं पढ़ना है. चौथा हमारा आता है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, ठीक है, जो हम ओर्स प्राप्त करते थे फिर उसको रिफाइन करते थे, वो भी प्रोसेस नहीं पढ़ना है. ये सारे प्रोसेस हमारे थे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के और ये हमें पढ़ना ही नहीं है, इसलिए सारे स्टेप्स वगैरह भी क्या हो गए, कट डाउन हो गए, ये हमें नहीं पढ़ना है. ठीक है बच्चों, इससे पहले हम लोग देखें मेटलर्जी के बारे में, अब हम देखते हैं कि ऑर्गेनिक में क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है. तो मैं आपको बता देता हूँ, ऑर्गेनिक का कट डाउन करने का इसलिए रीज़न था कि आपको 11th में ऑर्गेनिक बहुत ही ज़्यादा पढ़ना है, ठीक है, सेपरेट हो जाता है, इस वजह से कट डाउन किया गया है. इसमें नॉर्मल जो स्टार्टिंग में हमको एल्केन, एल्काइन, एल्किन्स सब पढ़ना है, ठीक है, उसमें एक्स्ट्रा हमारा था अल्कोहल और कार्बोजोलिक एसिड. तो लास्ट का जो हमारा दो चैप्टर है ऑर्गेनिक में, अल्कोहल चैप्टर और कार्बोजोलिक एसिड, ये दोनों चैप्टर समाप्त कर दिया गया, खत्म कर दिया गया है इस साल के लिए पूरा का पूरा. चाहे उसका प्रिपरेशन की बात करो या प्रॉपर्टीज की बात करो, प्रॉपर्टी में चाहे वो फिजिकल प्रॉपर्टी हो या केमिकल प्रॉपर्टी हो, यूजेज हो, स्ट्रक्चर्स हो, कुछ भी नहीं पढ़ना है. कार्बोजोलिक एसिड में भी प्रिपरेशन हो, फिजिकल प्रॉपर्टीज हो, केमिकल प्रॉपर्टीज हो, यूजेज हो और स्ट्रक्चर हो, कुछ भी नहीं पढ़ना है बच्चों. बट मैं आपको बता देता हूं, सिंपल नॉमेनक्लेचर नहीं काटा गया है. मतलब सिंपल नॉमेनक्लेचर जैसे कि मैं आपको बता देता हूं, जैसे CH3OH, तो ऐसा जो नॉमेनक्लेचर है इसके नाम्स आपको पढ़ने हैं. तो यहां पे अल्कोहल आपको आया, तो बच्चों ध्यान रखिएगा कि अल्कोहल नहीं पढ़ना है. क्या नहीं पढ़ना है अल्कोहल में? प्रिपरेशन नहीं पढ़ना है, प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ना है, यूजेज नहीं पढ़ना है, स्ट्रक्चर्स नहीं पढ़ना है. बट ऐसे सिंपल नॉमेनक्लेचर पढ़ने हैं आपको, चाहे वो अल्कोहल हो, कार्बोजोलिक एसिड हो. ठीक है बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर जरूर कीजिए, ताकि आपके फ्रेंड्स के पास भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलता रहे और ये बोर्ड के द्वारा जानकारी जो दिया गया है सिलेबस कट डाउन का, वो उनसे प्राप्त हो सके. थैंक यू.